अखिलेश यादव यहाँ पर हैं, उनके विषय में बड़े सारी टिप्पणियां उनसे संबोधित यहाँ वक्ताओं ने की है, लेकिन मैं उनसे इतना ही कहता हूं कि आप संघर्ष करिए, आप लड़िए, आपकी इस देश को भी जरूरत है, इस प्रदेश को भी जरूरत है। समाजवादी परिवार की एक विशेषता है, इस परिवार की एक विशेषता है, क्योंकि मैं मंच का कवि हूं तो मेरा एक छोटा सा लोभ भी ये है कि हम हिंदी कवि सम्मेलनीय कवियों के लिए, हिंदी के साहित्यकारों के लिए, जो सबसे अप्रोचेबल चीज होती है, सबसे ज्यादा आराम से जिनसे कह सकते हैं, कोई बात सुन सकते हैं, वो समाजवादी परिवार है। दिवंगत नीरज जी से लेकर हमारे प्रिय मित्र, मुझे आज भी याद है, मैं अमेरिका में था और हमारे एक बहुत ही योग्य गीतकार लखनऊ के थे देवल आशीष, उनको एक समस्या हुई, आधी रात फोन करने पर, उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे यहां पर, तुरंत व्यवस्था हुई, उनका उपचार हुआ, हमने बचा नहीं। इस समय एक ऐसी स्थिति में है जहां थोड़े से ताप को कम हो जाना जरूरी है, गुस्से का थोड़ा कम हो जाना बहुत जरूरी है, और ये जो कुछ भी चल रहा है और जिससे भी मैं और आप चिंतित हैं, इस हॉल में बैठे हुए लोग, समाजवादियों से अलग अगर कुछ लोग बैठे हों तो उनको भी मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, मंच पर भी हैं और नीचे भी अन्य पार्टियों के लोग बैठे हैं, इस मुल्क की मिट्टी की तासीर है कि यह नफरत का बीज ज्यादा दिन सहन नहीं करती, यहां मोहब्बत का बीज ही चलता है, यहां प्रेम का बीज ही चलता है, एक दूसरे की बात सुनी जाए, एक दूसरे की बात कही जाए, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है, यह जो संवाद हमारे यहां समाप्त तो हुआ है, इसकी चिंता करना यह भारत के गणतंत्र ने सिखाया है। प्रोफेसर साहब की पुस्तक में मैंने देखा विशेष रूप से, ये मुझे पर्ची दी गई है और ये चूंकि प्रमोद तिवारी जी के लेटर पैड पर है, उनकी छोटी सी पर्ची पर है, जिसमें कहा गया चार लाइन भी सुना देना। मैं राजनीति से बाहर आया हूं पर इतना मूर्ख भी नहीं हूं कि बिना पेमेंट कुछ करूं। हमारा तो निजी रूप से जन्म ही इस काम के लिए हो गया है। 2010 से 2014 तक इनकी पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे, उसके बाद दूसरे आ गए उनके खिलाफ लड़ते रहे, अब ये ऐसा ना हो जाए ये सत्ता में आ जाए फिर इनके खिलाफ लड़ो, पर ये बात ना हो जाए। तो प्रमोद जी का तो, प्रमोद तिवारी सबसे सुरक्षित इस मंच पे आदमी है, उन्हें पता है कुमार विश्वास कुछ भी बोले उनका कोई नुकसान फायदा नहीं होना है, तो वो परम प्रसन्न है। तो एक संवाद का समस्या इस देश में है कि हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, किसी राजनीतिक दल पर भी टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन समाजवाद के जो नए लोग हैं और जो यहां बैठे हुए लोग हैं वो भी इस बात की कोशिश करें कि हो सकता है आप ही अंतिम सत्य ना हो, हो सकता है दूसरे का सत्य भी सुना जाना चाहिए, और यही हमने गणतंत्र में एक बातचीत का रास्ता तैयार करा है, इसको बचाने की जरूरत है, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि यह सभी पार्टियों के लोग हैं, एकाध दल के लोग नहीं दिख रहे हैं, हो सकता, और मैं जानता हूं उनकी शुभकामनाएं भी प्रोफेसर साहब के प्रति बहुत है, वो एक ऐसे व्यक्ति है जो अजात शत्रु व्यक्ति है। जब अटल जी दिवंगत हुए तो हम यही कहते थे कि भाई अटल जी के विरोधी हो सकते हैं लेकिन उनका कोई ऐसा विपक्षी नहीं है जो उनके रहने से असहमत हो। कुछ लोग जिनके रहने से शोभा होती है, आज हेमंत जी ने बड़ा सुंदर शब्द दिया रामगोपाल जी को कि रामगोपाल जी उत्सव मूर्ति हैं, वे भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सबकी राज्यसभा में उपस्थिति होने के बाद उत्सव मूर्ति हैं। और एक मुझे सबसे सम्मोहक आज लगा, जो मनोज ने भी नोट किया, कि नेताजी जब मंच पे आए तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि इस मंच पर कौन बैठा है, उन्हें चिंता थी नीचे कौन बैठा है, और आयु जब बढ़ती है तो बचपन लौटता है। कल भी मैं देख रहा था जब अखिलेश ने संभाल रहे थे, जब उनको कह रहे थे कि आप बैठ के बोल दीजिए, तो उनके अंदर जद्दोजहद थी कि नहीं मैं खड़े होकर सबका सम्मान करूं, सबका हाथ हिला दूं, सबसे संवाद कर दूं। ये जो मोहकता है, ये जो लालित्य है, ये जो प्रेम है, ये जो स्पंदन है, ये तभी आता है जब आपने वर्षों काम किया हो, लोगों के लिए सोचा हो, जनता के लिए सोचा हो। मैं इस पुण्य अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस मंच पर एक केवल प्रियवर हमारे जो अनुज मनोज है, इनके अतिरिक्त सबसे आयु में छोटा हूं, इसलिए मैं केवल शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। मैं अपने स्वस्थ वाचन आपके लिए दे सकता हूं प्रोफेसर साहब, क्योंकि मेरा और आपका कार्य भी एक है। मैं भी विश्वविद्यालय सेवा में रहा, 17 वर्ष मैंने पढ़ाया, आपने भी पढ़ाया, बस थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई कि मैंने जो शुरू की थी वो पूरी नहीं हो पाई, लोग ले भगे, आपकी वही है क्योंकि आपका परिवार है, आप वहीं पर हैं। प्रोफेसर साहब कविताओं में भी रुचि रखते हैं,
और सबसे अच्छी बात है कि हम उनसे कह लेते हैं। मैं अन्य दलों के लोगों से भी कहता हूं, कल रात्रि में एक परसों एक कार्यक्रम में था, वहां एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे थे, मैंने उनसे भी कहा था कि कवियों को सुनना सीखिए, कवियों को सहना सीखिए, क्योंकि जिन्होंने हमें सुनना अस्वीकार कर दिया था वो आज किसी को सुनाने लायक नहीं बचे हैं। दिल्ली में है मामला ऐसा, स्थिति है, तो सुनना सीखिए ताकि लोग आप, कई बार सत्ता अहंकार देती है, सत्ता आपको गुरूर देती है, जब आप इससे नीचे उतरते हैं तब आपको पता चलता है। छत्तीसगढ़ में मैं एक मंत्री महोदय के साथ यात्रा कर रहा था चुनाव से 2 महीने पहले, तो मुझसे बोले कि क्या हाल है, तो मैंने कहा जमीन हिल रही है, नहीं जीतेंगे। उन्होंने मानी नहीं चूंकि हवा में थे वो, थोड़े दिन बाद सचमुच हिल गई और फिर नीचे आ गए। तो आज आप संघर्ष के पथ पर हैं और आपको राजपथ तक पहुंचना है, इसके लिए आवश्यक है कि आप इस मंच पर बैठे हुए जो 3 महत्वपूर्ण 4 महत्वपूर्ण लोग हैं, इनमें आपके पास कविवर उदय प्रताप जी जैसी चिंतना होनी चाहिए, आपके पास मुलायम सिंह यादव जी जैसा संघर्ष होना चाहिए, आपके पास प्रोफेसर राम गोपाल जी जैसी योजना होनी चाहिए, और आपके पास अखिलेश यादव जैसा उत्साह होना चाहिए, तब जाकर आप आए। तो मेरी शुभकामनाएं प्रोफेसर साहब को हैं। मुझे कहा गया है कि मैं लाइनें सुना दूं, और ये प्रमोद तिवारी जी का आदेश है, और ये कांग्रेसी लोग हैं, ये मान अपमान भूलते नहीं है, मुझे पता है, और कुछ पता नहीं है इस देश में किस दिन क्या हो जाए, और हमको तो बिना पार्टी के जीना है अभी, तो इसलिए इनकी बात मान लेनी चाहिए। और वैसे भी बेचारे ये और हम दो ही ब्राह्मण है, कौन सुन रहा है हमारी, तो हम एक दूसरे की सुन लेते हैं थोड़ा सा एक दिनों ऐसा भी है। निवेदन कर, अब ये है हमारा छोटा भाई, ये भी मौजूद है, तू तो अब समाजवादी हो गया है पूरा पक्का वाला। प्रोफेसर साहब ने 75 वर्ष बिताए हैं, मैं एक छोटा सा गीत आपको सुना देता हूं। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, जब आप राजनीतिक जीवन में होते हैं, तो जो लोग आपको मिलते हैं उनके विषय में आपको पता नहीं होता है कि ये शत्रु हैं या मित्र हैं, इसमें कई बार धोखा खा जाते हैं। मैं भोगा हुआ बता रहा हूं, मुझे भी नहीं पता था, तो आपको पता नहीं चलता है कि लोगों का रास्ता क्या है, लोग आपको प्रयोग कर रहे हैं या आप उन्हें प्रयोग कर रहे हैं। धीमे धीमे राजनीति सिखाती है, अनुभव सिखाता। तो मैंने एक गीत लिखा था उस अनुभव पर, छोटा सा गीत है, सुन लीजिए, अवसर नहीं है लेकिन इच्छा है, सबका मन है, तो मैं प्रोफेसर साहब आपके लिए विशेष रूप से सुना देता हूं, सुनेगा। और ये उनके तो जीवन का सार है प्रोफेसर रामगोपाल जी के, और हमारे जो युवा नेता हैं अखिलेश जी, उनके काम आएगा ये। कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, दो आंखों में कैसे आए, इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी, तालियां ही पेमेंट हैं, ध्यान रखिएगा। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, दो, हमारे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब दिवंगत हो गए कोरोना में, उनका एक शेर था, मैं फिर वहीं लौट आया, मुझे उस दृश्य ने बड़ा अभिभूत किया, कल भी अभिभूत किया, जब नेताजी जनता से कह रहे थे कि आप मनाओ बर्थडे, मैं आपकी बर्थडे में आऊंगा। बड़प्पन पदों से नहीं होता, बड़प्पन अंदर होता है। कुंवर जी का शेर है कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, और मैं तो हूं ही, मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना, तब कह रहा हूं। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, सुनिएगा बंद, एक एक पंक्ति पर आपको एक चेहरा याद आएगा, पार्टी में काम करता हुआ, सदन में काम करता हुआ, इधर से उधर दूसरे दलों में आता जाता, अगर याद आए तो वह करना। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, ऐसे उजले लोग मिले, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे, ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे, ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे, ऐसे धनी मिले जो, अभी ये चुनाव चल रहा है, आपको धन का संकट है, अभी सत्ता आ जाए धन का संकट, आप देखना क्या स्थिति हो जाएगी। ये ऐसे धनी मिले जो
कंगालों से भी ज्यादा रीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। इस पंक्ति का सौंदर्य समझें, आप तो कवि सम्मेलनों के श्रोता रहे हैं, उदय प्रताप जी के कारण, नेताजी के कारण, अखिलेश जी के कारण आपने बहुत कवि सम्मेलन सुने, तो इसका सार समझें और मुझे दाद दें। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे, मिले परायेपन से अपने, मिले परायेपन से अपने, अपनेपन से मिले पराये, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए, इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। आखिरी वन सुनिए, अंबिका जी और हमारे माँ, इंडिया में बलिया गया था तो एक कभी धोखे में आ गया, उसने कहा गया कि अंबिका के निमंत्रण पर जाना है तो आदमी निकला है यहाँ पर। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे। अब ये समझिएगा मैं कहाँ बोल रहा हूँ, बोलूंगा नहीं, आप कार्य समझिए। जिनको जगत, जिनको जगत विजेता समझा, टीवी के चैनल की बहसों में नहीं, देश जीता जाता, देश जीता है लोगों में जीता जाता है। इस दांत घिसने के लिए अनुराग बहुत है, रोज शाम का यही कार्यक्रम में लोगों का, हमने भी किया, चार पांच वर्ष ये विजेता समझा नहीं लेने चाहिए, लेकिन चेहरे आपके सामने आएंगे। जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले, जिनको जगत विजेता समझा निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले, जो हारे हारे अंदर से ध्रुव तारे निकले। अब ये पत्रकार बैठे हैं, ये इसलिए नहीं बैठे कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करें, ये इसलिए बैठे कि मेरे मुंह से कुछ निकले। और ये कहें कि समाजवादियों की उपस्थिति में कुमार ने दिए संकेत, ये जनता के अलावा सबका संकेत पकड़ते हैं। जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले, जिनको पतवारे तो पी थी का शब्द पढ़ के लोग ध्यान दें, आदरणीय उदय प्रताप जी, जिनको पतवारे सो पी थी वे भंवरों के सूद खोर थे। राजनीति का मंच नहीं है इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता कि किसान आंदोलन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुझे दुख इस बात का था और मैं लगातार एक वर्ष से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मेरे पिता प्रोफेसर थे और खेती भी करते थे, और मैं जो खेती करता हूं 6-10 एकड़ में वो तो अय्याशी की खेती है, चले गए फार्म हाउस के फोटो डाल दिए, हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों, सड़क के हाईवे पे 200 रुपए का कैक्टस खरीद के अपनी बालकनी में सजाकर फोटो खींचने वाले लोग, जब जून की तपती दोपहरी में काम करने वाले किसान के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उसके विषय में फेसबुक पे लिखते हैं, जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले, जो हारे थे अंधारे निकले, जिनको पतवारे सौंपी थी वे भंवरों के सूद खोर थे। इस पंक्ति का संकेत आपकी तालियां उठाएगा, मैं जानता हूं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। जिनको पतवारे सौंपी थी वे भंवरों के सूद खोर थे, जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे निकले, आखिर वही किनारे निकले। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, सम्मेलन में गांधी गए, मनोज जी बैठे, मनोज जी बैठे हुए विद्यार्थी कहते हैं क्या है, लोग गांधी पर लोहिया पर सवाल करते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल का कागज आया किंग के यहां से कि आपको किंग से मिलने का समय दिया गया है, तो ये पहन के आइए, ग्रे कलर का कोट होना चाहिए, पैंट ऐसी होनी चाहिए, और वो तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी छात्र वो पहुंच था। जब पैलेस पे उतरा तो एडीसी ने अंदर जाके बताया कि साहब वो तो नंगा आ गया है, एक ही धोती है। तो किंग ने कहा कि चर्चिल बोलता तो था नंगा है पर ऐसे आ जाएगा, ये पता नहीं था। तो एडीसी ने कहा था बुलाओ, बुलाओ
गांधी की हिम्मत क्या है? मैं नेताजी की उपस्थिति में यह बात कह रहा हूं। किंग ने पहला सवाल पूछा, किंग का मतलब आज का बोरिस जॉनसन नहीं था, दो तिहाई दुनिया पर राज करने वाले आदमी का नाम किंग होता था। किंग ने पूछा, मिस्टर गांधी तुम्हारे बिना झिझके हिंदुस्तान की उस सबसे बड़ी छाती के आदमी ने परदेश की जमीन पर अपने सबसे बड़े राजा के सामने कहा, नॉट इवन माइन, केवल मेरे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कपड़े तो आपने चुरा कर पहन लिए हुजूर। इसे गांधी की ताकत कहते हैं। जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर आपके चाचा की प्रशंसा के लिए किसी के दादा को गाली देना कहां तक संभव है यार? आप चाचा की तारीफ करो। आप जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे ही निकले, हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे? इस पीड़ा को स्वीकार करें और मुझे विदा दें। हम मंजिल तक कैसे पहुंचे जिनको खुद रास्ता भटकाए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। बहुत आभार, बहुत